हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ अनदर संडे राइड, संडे फन डे राइड। एंड आज मैं जय हो माता रानी की, आज आपका भाई जा रहा है सोलो राइड पे, बिकॉज आज हम शुरू कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा से। जी हाँ, मैं आज अपने घर आया, सैटरडे था तो मैं घर आ गया था, एंड संडे को अपन सोलो राइड पे निकल रहे हैं। बट इट वॉन्ट बी सोलो, बिकॉज जो मेरा बाकी का ग्रुप है वो दिल्ली से राइड कर रहा है, एंड वी गाइज आर प्लानिंग टू मीट एट ऑक्टेन कैफे है नोएडा में, वहाँ पे। तो मैं यहाँ से राइड करूँगा, वो वहाँ से आएंगे एंड हम मिल जाएंगे। सो दिस इज़ द प्लान। एंड या मौसम बहुत सही हो रहा है, अभी तक तो गर्मी नहीं है, बट सून हो जाएगी बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है। एंड इट इज़ अराउंड 7:30, तो बाई 8 o'clock आई शुड रीच देयर एंड दे शुड रीच देयर। सो या प्रिटी गुड, लास्ट मिनट में प्लान बना है मेरा। GoPro की बैटरी भी फुल्ली चार्ज नहीं थी, मैं चलो देखा जाएगा जो होगा, बट आई एम प्रिटी मच एक्साइटेड। मतलब बाइक पे तो जितना राइड करने को मिला उतना कम है। तो चलो चलते हैं इसी बात पे हम मोटर ओटेंग के पास कोल्ड कॉफी पीने, एंड वहां पे जाके कुछ प्लान्स बनाते हैं एक लंबी राइड का, एंड ऑफ द दिस मंथ और द स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ मोस्ट प्रोबेबली आज डिस्कस करेंगे कब तक ये पराठा राइड चलेगा। तो चलो गाइस, मिलते हैं हम थोड़ी देर में। बाय द वे, आई डोंट नो अगर आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आई एम वेयरिंग न्यू जैकेट राइनॉक्स की, मैंने अभी परचेज करी है, तो ब्रेकिंग सा चल रहा है थोड़ा हल्का सा। एंड का भारी जैकेट है यार ये, आई विल शो यू प्रॉपरली एक बार पहुंच के, जब हम मोटो ऑक्टेन पहुंच जाएंगे कैफे में, थोड़े सही से शॉट्स दूंगा। बट क्वालिटी इज एवन, वेंटिलेशन के लिए जो पैचेज है दे आर लाइक वाओ, इतने सारे एंड दे एक्चुअली वर्क, तो क्या ही कहना, तो बहुत सही है। बाकी कल हमने इस राइड के लिए अपनी धनों को भी धोया अच्छे से, देखो कितनी साफ लग रही है, साफ साफ से सुधरी सुधरी थी। एंड अभी तक नकल गार्ड्स नहीं लगे हैं, लगवाएंगे, थोड़ा पैसा नहीं है, पैसा चाहिए अपने को, जस्ट किडिंग, थोड़े दिनों में लगवाएंगे, अभी इसकी एक प्रॉपर सर्विसिंग करवानी है, तब उसमें सारा काम करवाएंगे। एंड या दिस इज ऑल अबाउट, एंड आई होप आपको मेरी जो उज्जैन की सीरीज का दूसरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन करे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ पे आपको नहीं दिखा पाए, बिकॉज एज ऑलवेज फोटोज आर नॉट अलाउड इनसाइड द मंदिर, जहाँ पे मेन उनका स्थापित है वो, बट ठीक है, बहुत मतलब एपिक दर्शन हुए थे उस दिन, तो भाई साहब मजा आ गया था। एंड या ये व्लॉग अगेन वेडनेसडे को आ जाएगा, संडे को आप मेरा उज्जैन का व्लॉग देखोगे, सेकेंड व्लॉग वेडनेसडे को ये आ जाएगा, संडे को फिर एक और उज्जैन का तीसरा व्लॉग आ जाएगा। मजे, सब्सक्राइब करते नहीं हो, शेयर करते नहीं हो, देखते हो नहीं, पता नहीं काहे डाल रहे हैं, अपनी खुशी के लिए डाले जा रहे हैं मजे से, ठीक है भाई, जैसी जिसकी श्रद्धा। चलो अब आपको हम सीधे मिलते हैं उस कैफे में, ठीक है, क्योंकि GoPro की बैटरी इतनी है नहीं कि मैं पूरे टाइम रास्ते में बकर बकर करता चलूं।
सो हम पहुंच गए एज पर गूगल माता ऑलमोस्ट देयर, जस्ट 200-300 मीटर और अब लग तो यही रहा है मतलब गूगल माता के हिसाब से। एंड यहाँ बहुत छोटी राइड थी भाई, मेरे को तो 15 मिनट भी नहीं लगे, ऑब्वियसली ग्रेटर नोएडा से आया था तो क्या ही कंप्लेन करें, गलती भी। हाँ वे पहुँच गए, नाइस। अब बाइक का देखते हैं कहाँ लगाते हैं, लगता है हमारा ग्रुप भी पहुंच गया दिखा है। चलो मिलते हैं आपको अंदर। मिलता है थोड़ी सी देर में भाई साहब। यहाँ पे सुपर कार्स भी मिलती, बाइक्स भी मिलती हैं, यू कैन बाय योर सेकंड हैंड गुड कंडीशन। सो भाई साहब क्या क्या ही रश है। चलो आप अपने ग्रुप के साथ मिलके बैठते हैं फिर देखते हैं। फ्री कट कहाँ से आ रहा है? नोएडा। हाई ऑक्टेन कैफे एंड क्या मस्त है यार ये। अबे हमारी है, हमारी है, वो ड्रीम से आगे है। हम 850 में खुश है, फ्रॉम डी बी एम डब्ल्यू कावासाकी हार्ले। दिस इज द सिटिंग अरेंजमेंट, यहाँ पे अपने सारे बैग्स वगैरह पड़े हुए हैं एंड ये रहा सारा का सारा ग्रुप। साल पाजी नया नया बोलना तीन दिन हुए बोली लग गई 60 रुपए और 5 मिनट के अंदर डील डन। सो डन विद द ब्रेकफास्ट एंड टाइम टू लीव दिस प्लेस। ठीक है, अच्छा कैफे है, काफ़ी सारे बाइकर्स आए थे आपने देख ही लिए होंगे और मज़ा आया। बाकी अपना ग्रुप अब बाहर निकल रहा है, टाइम टू रोल आउट एंड मिलते हैं रोड पे। ऐसा है गोपीनाथ तक चल रहे तो बताओ। हाँ और कहाँ जाऊंगा, नाश्ता भी करना है और भाई से मतले ये तो घर की चाय। सो फाइनली निकल गए वहाँ से आफ्टर सच अ लॉन्ग राइड, मतलब एकदम 20 मिनट की राइड थी मेरी जाने आने की, 20 मिनट की जाने की एंड 9:30 हो गया विच इज़ हम टाइमली फ्री हो गए तो विच इज़ अ गुड थिंग। अब यहाँ से नोएडा एक्सप्रेस वे पकड़ के अपने घर। बाय द वे बारिश सी होने लगी, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई है, बट ठीक है अपन तब तक तो पहुँच जाएंगे, नहीं भी पहुँचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से तो हम नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि बारिश ठीक वाली शुरू हो गई है। तो अब फ़ोन को और GoPro को हम अभी रखेंगे बैग में क्योंकि वाटरप्रूफ नहीं है दोनों में से कुछ भी। ठीक है, तो इसी नोट पे इस वीडियो को मैं करता हूँ ख़त्म। ये बहुत छोटी सी
वीडियो रहेगी, तो ठीक है देख लेना, ज़्यादा वो नहीं है। बाकी अगले इस संडे को जो ब्लॉग आ रहा है आप उसको चेकआउट कर लेना, बहुत सही ब्लॉग है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, सी यू ऑन संडे इस ब्लॉग। एंड या जैसे मैंने आपको बताया था कि वी आर प्लानिंग फॉर अ बिग राइड, मतलब सैटरडे संडे टाइप की राइड, तो वो देखते हैं कब हो पाएगा। डिस्कशन हुआ था उसके बारे में, तो वो भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। आ रही जा रही है। पर यार 1250 GS से क्या दिखती है यार, मतलब इतनी सुंदर बाइक है, इतनी बड़ी दिखती है, मतलब उसका जो आगे का फ्रंट लुक है वो साला इतना बड़ा है, मतलब जितना मेरा हैंडल है उसका आगे का फ्रंट लुक है। सच अ मैसिव बाइक इट इज़ यार। कोई नहीं, एक दिन आपका भाई उसे भी लेगा, पक्की बात है। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जो भी है, मिलते हैं हम आपको संडे को, टेक केयर।